हेलो दोस्तों, आज हम आपके सामने लाए हैं 2006 मॉडल प्लेटिना बाइक। ये इसका फ्रंट लुक देख सकते हैं आप, यहाँ पे अलॉय मिल जाते हैं हमें। फ्रंट में वही हेरोजन लैंप, ये साइड में फोग लैंप लगवा रखे हैं यहाँ पे। ये अभी इतना पीला नहीं हुआ है जितना कि हो जाता है, लेकिन हाँ ये थोड़ा हिलने लग गया है यहाँ से। चलिए साइड लुक देख देते हैं गाड़ी का। ये यहाँ साइड लुक है, ये फ्रंट व्हील मिलेगा आपको। यहाँ पे फ्रंट में आपको 17 इंच का अलॉय व्हील मिलेगा ड्रम ब्रेक के साथ, और यहाँ पे मिलेगा आपको 100 cc का 4-स्ट्रोक इंजन जो देता है 8.2 bhp की पावर, साथ ही 8.1 न्यूटन मीटर का टॉर्क। यहाँ हमको फ्यूल टैंक मिल जाता है 11 लीटर का फ्यूल टैंक। जहाँ पे ये जो ग्राफिक्स है, पहले मतलब रेड कलर के थे, लेकिन अब काफ़ी समय हो गया तो मतलब कलर उतर गया इनका। बाकी टंकी पे कोई भी डेंट वगैरह और कुछ भी नहीं है, ये देख सकते हैं आप। ये साइड की बात करें तो ये इंजन के पास ये हमको रियर सस्पेंशन मिल जाता है यहाँ पे, साथ ही हमें यहाँ मिल जाता है 17 इंच का अलॉय व्हील, पीछे वाले व्हील में भी यही साइज। टायर हम बात करें तो यहाँ पे लगभग 3 या 4 बार हमने टायर चेंज करवा चुके हैं यहाँ पे, और परमानेंट MRF के टायर ही चल रहे हैं हमारे यहाँ पे। ये इसका साइलेंसर लुक देख सकते हैं आप, केवल कलर ही उड़ा है गाड़ी का, बाकी गाड़ी में कोई टूट फूट नहीं हुई है। ये रियर व्यू देख सकते हैं आप, टेल लैंप वगैरह सारे ऐसे के ऐसे ही है। ये अगेन लेफ्ट साइड का व्यू, यहाँ पे टायर, ये सस्पेंशन, ये इंजन, यहाँ पे हमें 4 गियर मिल जाते हैं। माइलेज की बात करें तो आज भी ये बाइक हमें मतलब 65 से 70 के अराउंड माइलेज दे ही रही है। ये बाइक लगभग 70 से 80 हज़ार के किलोमीटर चल चुकी है, लेकिन काफ़ी लोग कहते हैं प्लेटिना इतनी चल नहीं सकती वगैरह वगैरह, ख़राब हो जाती, मेंटेनेंस मांगती। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं यहाँ पे कि इतने साल, लगभग 14 से 15 साल हो चुके हैं, कोई भी मेजर काम इंजन के अंदर नहीं है यार। ओनली फॉर ऑयल चेंज का मेंटेनेंस होता है और वगैरह कुछ नहीं, ब्रेक शू वगैरह चेंज हुए हैं इसके, बाकी अदर कुछ ज़्यादा चेंजिंग वगैरह कोई हुआ नहीं इसके अंदर। और माइलेज आज भी उतना ही दे रही है, लगभग ये 65 से 70 के अराउंड माइलेज अभी निकल रहा है इस बाइक के अंदर। सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है इसके अंदर वो यही है कि इसके जो हैंडलिंग है वो थोड़ी, अगर जैसे स्पीड में चलते हैं अपन तो लहराने लग जाती है बाइक, जो कि आज वाली प्लेटिना में नहीं है। काफ़ी सुधार किया है BS6 के अंदर उसमें। ये जो इसका 100 cc वाला इंजन है, इसमें भी ऐसी कोई बड़ी इशू नहीं है, मतलब इंजन एक भी बार नहीं खुला है अभी, केवल ऑयल चेंज वगैरह ही हुआ है और स्पार्क प्लग वगैरह चेंज हुए हैं, इससे बड़ा कोई खर्चा अभी तक इंजन में नहीं है। साउंड सुना देता हूँ आपको इंजन की एक बार। तो साउंड भी एकदम नॉर्मल है जो नई बाइक होती है उससे, थोड़ा 19-20 का फ़र्क है, बाकी एकदम साउंड ओके है, साइलेंसर वगैरह में कोई दिक्कत नहीं है। और बाइक की सबसे बड़ी बात, आज भी माइलेज उतना ही दे रही है जितना पहले देती थी। बाकी आप देख सकते हैं बॉडी में कोई गलावट नहीं है इसमें, मतलब जो मेरा एक्सपीरियंस है इतने सालों का, 14 से 15 साल का, उसमें यह बाइक एकदम शानदार है। उस टाइम अगर इस तरह की बाइक आपको लगभग 6, 7, 8 मॉडल जो भी है अगर अभी मिले तो इसकी कीमत लगभग 10 से 15 हज़ार के बीच होनी चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं, जो भी कंडीशन के हिसाब से भी कितनी कंडीशन अच्छी है बाइक की। और अगर मैं बात करूँ इसका लाइफ टाइम रिव्यू तो मतलब काफ़ी अच्छा है, हमने तो परमानेंट चलाया इसको, सिटी में काफ़ी लंबे टूर पर भी गए हैं, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात हुई नहीं है, एवरेज काफ़ी अच्छा देती है बाइक। अब तो खैर पुरानी हो गई ये बाइक, तो इस चक्कर में हम इसको ज़्यादा लंबी नहीं चलाते हैं, सिटी राउंड चलाते हैं, लगभग 6-7 किलोमीटर के एरिया के अंदर कुछ लाना ले जाना होता है उसके अंदर अंदर, बाकी इसको लंबा नहीं ले जाते क्योंकि इसकी जो हैंडलिंग है वो बिल्कुल डाउन हो चुकी है। गाड़ी दिखा तो हैंडल दिखा, ये देखिए आपकी इसकी हैंडलिंग है। हाई स्पीड पे थोड़ी हैंडलिंग लहराने लग जाती है इसकी,